नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। निघंटु की चर्चा चल रही है या निरुक्त के पदों की व्याख्या चल रही है। नाम और आख्यात की बात की थी, आख्यात का थोड़ा परिचय दिया था इससे पहले वीडियो में। इसमें कहते हैं कि अणियत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके तेसाम मनुष्यवत देवताभिधानम। देखिए, जो नामकरण किया जाता है, जो किसी की संज्ञा की जाती है, उसके लिए एक पद का प्रयोग किया है अणियत्वाच्च शब्देन। ये किसी के लिए व्यवहार के लिए सबसे छोटी इकाई है, यानी व्यवहार के लिए सबसे श्रेष्ठ माध्यम है ये। अगर आप याद करें तो काव्य प्रकाश में जब संकेत ग्रहण की बात हुई तो वहां पे ये कहा है कि उपाधिश्च दुविधा, उपाधि दो प्रकार की होती है, वस्तु धर्मो वक्तृ यदिच्छा सन्निवेशितश्च। भाई, उपाधि के पहले दो प्रकार किए गए, वस्तु धर्म और व्यक्ति की इच्छा। अब अगर हम वस्तु के धर्म के आधार पे उसकी चर्चा करने बैठेंगे ना, तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर हमने यदृच्छा यानी उसका संज्ञाकरण कर दिया तो बड़ा सरल है। यही बात यहां पे कही गई है, अणियत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। लोक में व्यवहार करने के लिए संज्ञाकरण करना यानी नामकरण करना, ये सबसे सरल प्रक्रिया है, सबसे छोटा उपाय है। जरा समझें इस चीज को, क्योंकि उसी में सब कुछ है। मैंने काव्य प्रकाश का भी उदाहरण दिया कि काव्य प्रकाश में ये कहा गया कि एक वस्तु धर्म है और एक व्यक्ति की इच्छा है। व्यक्ति की इच्छा यानी संज्ञाकरण, जो यहाँ पे कहा गया है। लेकिन अगर वस्तु धर्म के आधार पे आपको बात करनी है तो क्या होगा? यहाँ पे भी अगर नामकरण नहीं है और किसी वस्तु को आपको व्यक्त करना तो क्या होगा? एक उदाहरण देता हूँ कि आपके यहाँ गली में बाहर हाथी आया है। अब आपको उस चीज़ को व्यक्त करना है, बताना है कि हाथी आया है। लेकिन आपको हाथी शब्द तो ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसका नाम रखा ही नहीं गया है। अगर हाथी नाम नहीं रखा गया है और फिर आपको उस हाथी शब्द को व्यक्त करना है, तो आपको वस्तु के धर्म के आधार पर व्यक्त करना पड़ेगा। तो आप अभिनय करेंगे और अभिनय के आधार पर आप कहेंगे कि जिसकी सूंड है या जिसके दो घंटे लटकते हैं, तरह तरह की आप कोशिश करेंगे अभिनय के द्वारा उस अर्थ को व्यक्त करने की, और फिर भी पता नहीं सामने वाला समझा नहीं समझा, आपने कुछ और समझा है, वो कुछ और समझा। देखिए, आजकल बच्चे एक गेम खेलते हैं, डम सिराज कहते हैं उसको इंग्लिश में, डम सिराज इस प्रकार का कुछ नाम है। तो उसमें क्या होता है, किसी फिल्म का नाम देंगे, अब चुपचाप एक बच्चे को कहा जाएगा कि इस फिल्म का ये नाम है, फिर वो बच्चा अभिनय करेगा, फिर वो अपने अभिनय से उस फिल्म का नाम बताने की कोशिश करेगा। कई बार तो जो नाम सरल हो या अभिनय करने वाला परफेक्ट हो तो पारंगत है, तो तुरंत इस चीज़ को व्यक्त कर पाता है। कई बार तो लोग मेहनत कर करके थक जाते हैं और सामने वाले और सब चीज़ों तक पहुंचेंगे, लेकिन वो जो कहना चाहता है वहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। तो वस्तु को जब उसके धर्म के आधार पर आप विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर आपने किसी का नामकरण नहीं किया है, किसी की संज्ञा नहीं दी गई है, और उस चीज़ को आपको लोगों के सम्मुख व्यक्त करना हो, तो नामकरण के बिना किसी चीज़ को व्यक्त करना बड़ा कठिन है। मैं कई बार मेरे बच्चों को पढ़ाते हुए ये उदाहरण देता हूँ कि दो सखियाँ बस स्टैंड पे मिल गई, साथ में पढ़ा करती थी, आज 10 साल बाद मिली हैं। एक सखी पूछती दूसरी सखी से, भाई अकेली हो? कहते नहीं 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 मेरे पति साथ में हैं। अब पति साथ में, पति कौन है? तो बोले वो वहाँ बस की लाइन में जो खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए, वो है। अब लाइन में तो 10 आदमी खड़े होते हैं, तो उनमें से 10 आदमी में से कौन सा है? तो बोले उसने जिसने लाल शर्ट पहनी वो है। अब लाल शर्ट वाले भी 2 या 3 लोग उसमें हो तब क्या करेंगे आप? तो बोले जो सिर खुजला रहे हैं। तो जो वहाँ पे उपाधि के 4 प्रकार हैं, ये संकेत ग्रहण में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आप अगर संज्ञा से आप परिचित नहीं हैं, तो वस्तु के धर्म, उसके गुण, उसकी क्रिया, इन चीज़ों के आधार पे उस वस्तु को आप अन्यों से अलग करते हैं। मान लीजिए गाय बेची गई, बहुत सारी गायों के बीच में वो गाय विद्यमान है, और उसको खरीदने वाला आता है, वो कहता कि वो गाय जो कल मैंने देखी थी, तो बोले कल मैं तो नहीं था, आपको मेरे बेटे ने दिखाई थी,
कौन सी गाय थी? तो बोले वो जो बैठी है ना, लाल सा कलर है जिसका। अब लाल से कलर की चार गायें होंगी तो क्या करेंगे? तो फिर बताएंगे उसके सींग जिसके इस प्रकार की डिजाइन है, या जो पीछे गर्दन अपनी पीठ पे रख के बैठी हुई है, या जो भी। तो क्रिया गुण इन सब के आधार पे। लेकिन अगर उस गाय का एक नाम है, उन्होंने कहा कि धूमरी, उसने आवाज़ दी धूमरी, तुरंत उस गाय ने, देखिए प्राणी भी अपने नाम को, अगर आप उसका प्रयोग करते रहते हैं तो प्राणी भी अपने नाम को जानने लग जाते हैं। जैसा कि आप कुत्तों वगैरह में भी इस चीज़ को देखते हैं, जिनके घर पे कुत्ते होते हैं उनका नाम रखते हैं और उसको उस नाम से बुलाते हैं, वो तुरंत आता है। मैंने तो शेरी के कुत्तों यानी गली के कुत्तों के भी इस प्रकार से बच्चों ने नाम रख दिए और वो उसको बुलाते हैं तो वो भी आ जाते हैं दौड़के, भले उनको नहीं पाला गया हो, भले वो गली में घूमने वाले कुत्ते हों। तो ये इस चीज़ को प्राणी भी समझने लग जाते हैं और व्यवहार बड़ा सरल हो जाता है। इसलिए संज्ञाकरण करना ये बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी, हाँ वो जो सखी वाली बात चल रही थी तो बात अधूरी रह गई कि वो सखी जब कहती है कि वो लाल शर्ट वाले हैं जिन्होंने जेब में हाथ डाल के जो खड़े हुए हैं वो हमारे पति हैं, इस प्रकार से उन्होंने उसका परिचय दिया। लेकिन अगर दोनों उस व्यक्ति के नाम से परिचित होती, अगर वो साथ में पढ़ रही थी जब दोनों सखियाँ, और कोई लड़का जो पढ़ रहा था उनके साथ उसी के साथ उसका विवाह हुआ हो और वो कहती वही कृष्णा, अरे अपना कृष्णा, वही उसी के साथ मेरी शादी हुई है, तो कोई समस्या हुई? खाली एक बार एक नाम लिया और उस व्यक्ति का परिचय मिल गया। तो यही होता है कि अगर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी क्रिया का, किसी का भी जब आप संज्ञा कर देते हैं तो संज्ञाकरण जो है वो उसके अर्थ को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका है, व्यवहार के लिए सबसे सरल तरीका है। ये बात यहां पे कही है। अणियत्वाच्च शब्देन, शब्द के रूप में ये सबसे अणी, अणी कहते हैं सुई की नोक को, है सबसे सूक्ष्म साधन है किसका? व्यवहारार्थम लोके, लोक में व्यवहार करने के लिए क्या? संज्ञाकरणम, नामकरण कर देना। नीचे की पंक्ति में कहते हैं तेषां मनुष्यवत् देवताभिधानम्। इसी प्रकार से जैसे मनुष्यों में नामकरण पाए जाते हैं, इसी प्रकार से देवताओं का भी नामाभिधान होता है। भैये मैं तो कई बार इस चीज़ को कहता हूँ, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैंने आज ही सुबह गुड मॉर्निंग का एक मैसेज देखा, उसमें शिव जी की मूर्ति थी, शिव जी को प्रकट किया गया। अब उन शिव जी के होठ पे लिपस्टिक लगी हुई है, उन शिव जी के मतलब पूरे चेहरे को आप देखें तो बड़ा ही उसको सुंदर बनाने के लिए जैसे उस पर इस प्रकार की कलरिंग की गई है। अरे शिव कहाँ ऐसे थे, लेकिन चूंकि हमें इस प्रकार के चेहरे देखना अच्छा लगता है इसलिए हमने शिव को भी ऐसा बना लिया। कितनी मूर्तियों में आपको शिव कर्पूर गौरम ही दिखाई देते हैं। शिव के रूप का वर्णन है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। शिव का स्वरूप तो कैसा है? कर्पूर की तरह जो गौर वर्ण है। लेकिन चूंकि हमें तो भगवान नीले दिखाने की आदत पड़ गई है तो श्याम वर्ण को हम नीला रंग दिखाते हैं, और उस नीले रंग में राम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, शिव का भी लोग नीला रंग दिखाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भगवान की एक इमेज बन गई है कि ये तो ऐसे ही होंगे, भगवान है तो ये ऐसे ही होंगे। यहां पे कहते हैं कि जैसे मनुष्यों के साथ नाम से व्यवहार करना सरल होता है, ऐसे ही देवताओं का भी नामाभिधान किया हो तो देवताओं के साथ भी व्यवहार सरल बन जाएगा। तो इस सरलता के लिए दैवत कांड में देवताओं के उन नामाभिधान के आधार पर भी चर्चा हुई है, इसीलिए वो चर्चा की गई है। तो क्यों नामकरण होना चाहिए, निरुक्त इस संदर्भ में क्या कहता है, ये चर्चा हमने की। आगे एक पंक्ति है कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर ही मंत्रो। जो पुरुष विद्या है, व्यक्ति जो कुछ जानता है वो सब कुछ तो अनित्य है, लेकिन अगर उसको नित्य सिद्ध और प्रत्येक ज्ञान के लिए साध्य बनाना है तो इसके लिए वेद के मंत्रों की संरचना हुई, और इसीलिए वेदों के मंत्र हैं। तो वेदों के मंत्र किस लिए हैं उसकी भी बात यहाँ पे की है, उन देवताओं से संबंधित मंत्र किस लिए हैं यहाँ पे इसकी भी बात की है। अब अगले वीडियो में हम षड्भाव विकार की चर्चा करेंगे कि षड्भाव विकार कौन कौन से होते हैं, भाव यानी कि क्रियापद आख्यात की जिसकी चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरि निवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।
आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जितने अधिक लोगों तक ये पहुँचेगा उतना ही अधिक उनको लाभ होगा।